अरे कॉल आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बा, अरे मच्छी बहुत है, तुम लोग आ जाओ, अभी मच्छी शिकार लगेगा। हाँ नहीं, कल आओगे? नहीं लगेगा, आ जाओ आज। आज शिकार बहुत है, आज बहुत लगेगा, 100% लगेगा। हाँ बहुत, अभी लोग गए, अभी हमारे पास से रात को आया था, अभी लेके गया 200 किलो मच्छी। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये जुमला हम लोग को बहुत सुनने को मिलता है कि कल मच्छी बहुत था, आज मछली नहीं है। ये वजह क्या है? पहले तो ऐसी कोई बात नहीं होती थी, अब हमारे जो बोटमैन हैं वो ये बात कहने पर क्यों मजबूर हो गए? इसके लिए आज हमारे पास एक एक्सपर्ट आए हैं। आज हम फ़िशिंग एक्सपर्ट से बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर पैनल में मौजूद हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई। आएँ उनकी ज़बानी और उन्हीं से पूछते हैं कि ये माजरा क्या है आखिर। जी, इसकी कोई ख़ास वजह तो है नहीं, लेकिन इसकी एक ख़ास वजह भी है, क्योंकि जो ना वो जो ओरिजिनल जो शिकारी थे, जो एंगलर्स थे, रिक्रिएशनल एंगलर्स थे, वो इंतकाल कर गए। अब आ गए वो शिकारी जो माशाल्लाह से जो है ना मछली बेचते हैं। तो अब उन शिकारियों को एक अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर मछली ज़्यादा हो जिसमें सो कॉल्ड उनको लाड़ा ना हो, तो भाई बोटमैन खुद नहीं जाएगा अपने लिए मछली पकड़ने के लिए? क्या वो आप लोगों का 3,000-4,000 की दिहाड़ी की जो बात करेगा? मेरे ख्याल से जो है ना इसकी ख़ास वजह ये है कि शिकारी जो है ना मर गए, इंतकाल कर गए। अब वो जो ना कमर्शली जा रहे हैं, मछली लाड़ा उनको पूरा करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है, तो उन्होंने देख लिया कि इनके साथ जो ना कैसे करना है। तो ये बोटमैन को जो ना ये जो ना ट्रेंड जो ना चेंज हो गया। पहले किसी ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जो ना बोटमैन ये बोल दे कि आज आप लोग आए हो, आज मछली नहीं है, कल मछली बहुत था, कल मछली बहुत होएगा, दोबारा आओ। तो ये पहले नहीं था, ये नया एक जो ना लेटेस्ट ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। वो इसलिए कि नए जो ना शिकारी हैं, जिनको जो बेसिकली स्पेसिफिकली सोचते हैं कि वो एक मछली बेच के जो ना कारोबार करेंगे, और अच्छे वेल अच्छे मतलब अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो ना लोग हैं इसमें जो ना बड़ा शॉकिंग है इस शिकारी भाइयों के लिए, मेरे ख्याल से ओरिजिनल शिकारी भाइयों के लिए। और देखिए, मेरे ख्याल से बोटमैन जो कर रहे हैं वो उसको कहते हैं टिट फॉर टैट। वो मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह के जो ना लोग होंगे, जो ना कहते हैं ना, जिस तरह के जो ना आवाम होंगे, उस तरह के हुक्मरान, तो जिस तरह के शिकारी हैं उनके लिए मेरे ख्याल से परफेक्ट, जो ना लोग जो कर रहे हैं परफेक्ट कर रहे हैं। यार वो 250 किलो मुश्का, 200 किलो धुतर मार रहे हैं लोग, और 16-16 किलो जो ना का ग्रुपर मार रहे हैं। तो यार जो ना बता दो भाई रेट क्या है। और उन लोगों ने तो ज़िंदगी भर का लाड़ा पूरा कर लिया, मतलब उनको जो है ना मतलब ये फिशिंग है, 250 किलो मुश्का मार के खुश हो रहे हैं। तो भाई ये नहीं होता फिशिंग, इस तरह नहीं होता। फिशिंग होता है कि आपकी जो ना आप एक मछली मारो और उसको मार्केट भेजने के बजाय हमसायों को खिलाओ, और रिक्रिएशनल फिशिंग होती है, उसको एंगलिंग कहते हैं। अभी के जो ना मेरे काफ़ी सारे लोगों के साथ जो ना ये बैसा बैसी होती है, मेरे ख्याल से एक फिशरमैन और आजकल के एंगलर में जो ना मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं है, ख़त्म हो गया एंगलर्स, इंतकाल कर गए भाई। देखें शिकारी इतने उसमें ग्रीड में आ गए बेचारे जो ना, वो नुकसान में आ गए, कि वो लोग करते क्या हैं कि वो लोग जो ना बोट बना लेते हैं, बोटमैन को देते हैं, या बोटमैन को लोन देते हैं, और फिर उसको लोन नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं खैरात और इस टाइप की जो ना चीज़ें कह रहे होते हैं, और समझते हैं कि बोटमैन अच्छा है और मेरे साथ जो है ना पूरा सीज़न चलेगा। तो भाई अगर बोटमैन अच्छे बोटमैन वो हैं जिन्होंने अभी माशाल्लाह से अपने घर ले लिए, अपने घर बना लिए हैं, मुबारक विलेज के अंदर नज़र आते हैं, और जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ ले ली हैं, और 2-2, 3-3 मिलियन के उनके पास इक्विपमेंट है उनके बोट के अंदर, उनके बोट की वर्थ 2-2, 3-3 मिलियन की है, तो वो है, वो तो लेके ही नहीं जाते। वो अगर लेके भी जाते हैं तो पैसे चार्ज नहीं करते, मतलब वो दोस्ती यारी में एक आध 4-5 लोग ऐसे हैं मैं जानता हूँ जिनको जो लेके जाते हैं और पैसे ही चार्ज नहीं करते। तो भाई अपना ये जो है ना मेरे ख्याल से जो ना ये ग्रीड और ये लालच जो है ना मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, एंगलर्स के अंदर। एंगलर्स को अगर कुछ करना है, किसी को देना है, गरीब समझ के देना है, तो उनको खुले दिल से ऐसे ही दे दे, और कर्ज़ असना के तौर पर दे दे, ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए बोट चलाना जो है ना माहिगीर का काम है, फिशरमैन का काम है, बोट चलाना शिकारियों का काम है। शिकारी बोट चलाने के अंदर घुस गए हैं अपने अच्छे काम को जो ना छोड़ के। अगर अगर इस ये बिज़नेस इतना लुक्रेटिव होता तो क्या आप सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो ना मुबारक विलेज का बंदा हो के शहर के अंदर जो ना लिटरली मैंने जो अपने एक ज़िंदगी गुजार के इस मकाम पे मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पहुँचा हूँ, उसके लिए मैंने जो ना बड़ी बड़ी मेहनत की है। मेरे ख्याल से कि जो ना अगर फ़िशिंग में या फ़िशरमैन के लिए अगर इतनी ये काम इतना कामयाब होता
तो मेरे ख्याल से मेरे एक भाई को छोड़ के हम लोग पांच भाई हैं, बाकी सारे जो है अलग अलग काम करते, कोई फिशिंग के अंदर। तो ये जो है ना अपना मेरे ख्याल से शिकारियों का काम है, शिकारी भाइयों आप लोग प्लीज़ जो है ना खुद को तकलीफ में मुब्तला ना करें। लोग रोज़ पड्डे हो रहे हैं, उसने बोटमैन मुझे लेके नहीं जा रहा, फलाने ने उससे पैसे लिए उसने नहीं लेके जा रहा, वो मुझसे लड़ता है, मछली होती तो बोटमैन लेके नहीं जा। तो भाई जो है ना मेरे ख्याल से आप लोग जो है ना इसमें ना रहें, जाके जो है ना अपना फिशिंग करें, साफ फिशिंग करें, जिसमें जो ना कोई लाड़ा या लाड़ा वाड़ा का जो ना कोई चक्कर ही ना, तो बंदा जाके जो ना मज़ेदार फिशिंग होती है, उसको कहते हैं फिशिंग ओरिजिनली इंडियन। अच्छा अब एक जो नया चल रहा है जो मैं ग्रुप्स में जो ना देखता हूँ, मैं खैर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता हूँ, उसमें देखता हूँ कि लिटरली यार चार डांबे एक मुश्का, उस पर भी जो ना लोग वाह 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 करते हैं। गाइस आप लोग शिकारी हो यार, आप लोग मतलब क्या हो गया आप लोगों को, मतलब आप इतने ग्रुप्स बन गए हैं कि यार अगर एडमिन उस पेज का वाह वाह नहीं करेगा तो दूसरा जो है ना वो बंदा वहाँ से रूट के चला जाएगा। अब वो जो फिशरमैन है, एंगलर नहीं कहूँगा, जो फिशरमैन है, जो शिकारी भाई हैं हमारे, वो बेचारे जो है ना अपना वो ग्रुप ही छोड़ देते हैं, तो एडमिन भी पेजों के लगे हुए होते यार वाह 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 करके उनको जो है ना मैं वहाँ पर बिजी करूँ। बाकी मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, और अपना जो है ना दो रोटी ज़्यादा खा लेना, बहुत बहुत शुक्रिया।